वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। बहुत ही दिनों के बाद एक आपके लिए फ्रेश और न्यू व्लॉग लेके आया हूँ। और आपने गेस किया कि इस बॉक्स में क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस बॉक्स में है मेरा नया हेलमेट, जो कि है एग्जोर का स्टेल्थ हेलमेट, जो कि मैंने खरीदा है ग्रे और नियॉन कलर में। तो सबसे पहले तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। तो बॉक्स है सिंपली, और इसके अंदर है हमारा हेलमेट और कुछ इसके यूज़र गाइड वगैरह दे रखे हैं, की चेन्स वगैरह दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो इसका कवर निकालते हैं, और बहुत ही स्पोर्टी लुक में है, बहुत ही स्टाइलिश हेलमेट है। तो पर्दा हटा दिया जाए, 1 2 3, और हेलमेट आपके सामने है। तो ये है एग्जोर का स्टेल्थ हेलमेट, जो बिल्कुल मेरे को बजट में आ रहा था। और जो इससे पहले मैं हेलमेट यूज़ कर रहा था शोई GT Air, उसको मैंने लगभग 1.5 साल यूज़ करा है, बट उसका जो फ्रंट का वाइज़र है वो बहुत ही ख़राब हो गया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच है। क्योंकि अभी जो मैं लद्दाख राइड पे गया था, वहाँ से बहुत ज़्यादा उस पर स्क्रैचेज आ गए। क्योंकि जब डस्ट होता था, तो मैंने सबसे बड़ी गलतियाँ करी, जब उस पर डस्ट आता था तो मैंने ग्लव्स से उसको ऐसे रब कर दिया, जिसकी वजह से उस पर बहुत सारे स्क्रैचेज आ गए। बट अब मैंने उसका वाइज़र ऑर्डर कर दिया, और उसके वाइज़र को आने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे, क्योंकि अब्रॉड से आएगा। इंडिया में उसका वाइज़र अवेलेबल है, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब 4 गुना उसका प्राइस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जब मैं आपको आ जाएगा उसके अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाऊंगा, प्राइस बताऊंगा कितने का है। तो ये कुछ हेलमेट है मेरा एग्जोर का स्टेल्थ। तो पहले इसका रैपर हटा देते हैं। ये तो ये है एंटी फॉक्स स्क्रैचलेस वाइजर, और इसके अंदर सन वाइजर भी है, ड्यूल है ये, है ना बढ़िया। और यहाँ पे मैंने अपने ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है B+, और यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग हटा रखी है एग्जोर की, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, फ्री हेलमेट नहीं है। और जिन लोगों को फ्री चीज़ें मिलती हैं, वो तब भी कहते हैं कि मैंने मंगाई है, मैंने खरीदी है। जोक्स अपार्ट, मैंने खरीदा है अपने पैसों से, और ऑनलाइन इसका प्राइस है 5000 के अराउंड, और ये मैंने ऑफलाइन एक शॉप से लिया है करोल बाग, जहाँ से मेरे को पड़ा 4500 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी अच्छा इसका प्राइस है। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टिकर्स भी लगा दिए GoPro के। तो ये तो रहा मेरा हेलमेट, अब होगी हेलमेट के अनबॉक्सिंग, बट इतना छोटा ब्लॉग नहीं रखेंगे इसको, थोड़ा लेंथी बनाएंगे। कैसे, काफ़ी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि भाई GoPro का माउंट कैसे करते हो, उस पर कैमरा कैसे लगाते हो, इस पर GoPro माउंट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कौन सी आपको चीज़ें इसमें चाहिए और कैसे आपको माउंट करना है। तो चलते हैं। पर आपको एक्शन कैमरा माउंट करना है अपने हेलमेट पे, तो आपको ये नुस्खे अपनाने पड़ेंगे। तो ये नुस्खे हैं बाबा लक्ष्य के, और आपको इन नुस्खों को अपनाने के लिए चाहिए MCL का एक बड़ा पैक, देन कर्व माउंट भी ले सकते हैं, फ्लैट माउंट भी ले सकते हैं। और इस बार मैं लगाने वाला हूँ जे हुक माउंट, क्योंकि सिर्फ ये एक माउंट आप लगाएंगे यहाँ पे अपना कैमरा माउंट कर सकते हैं। और जो मैं पहले यूज़ करता था, पहले मैं एक हुक यूज़ करता था, उसमें ये अटैचमेंट लगाता था और 2 स्क्रू यूज़ करता था। इस बार मैं लगाने वाला हूँ ये जे हुक। और इसका क्या काम है इसमें, यही इसकी का सबसे बड़ा रोल है इस माउंट को फिक्स करने के पीछे। तो ये है कैंडल, ये है माचिस, देन ये है हमारा मेन हथियार जिसका नाम है हॉट ग्लू स्टिक। बेसिकली ये गन से यूज़ किया जाता है, कि एक इलेक्ट्रिक गन आती है, बट अब इस समय मेरे को गन नहीं मिल रही होती। जब कहते हैं ना कोई चीज़ चाहिए और टाइम पे, तब वो नहीं मिलेगी, और उससे पहले वो इधर उधर पड़ी रहेगी, वही मेरे घर में होता है। तो अब मैं गर्म करने वाला हूँ कैंडल से, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आपको माउंट करना है। तो चलिए माउंट करते हैं। तो स्टेप 1 ये है, आपको कर्व माउंट चाहिए, या फ्लैट हेड माउंट भी ले सकते हैं, अभी मेरे पास कर्व माउंट ही अवेलेबल था। तो चाहे जोन सा भी हेलमेट हो, चाहे उसका सरफेस कर्व हो, पॉइंटी हो, जैसा भी हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फर्स्ट आपको जो आपकी माउंट है, इसके आपको 3M टेप आपको लगी लगाई मिलती है, कुछों के साथ नहीं भी मिलती तो आपको अलग से लगानी पड़ती है, इसमें लगी हुई है। तो सबसे पहले जो इसका स्टिकर है उसको पील ऑफ करते हैं। तो हमने ये पील ऑफ कर दी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टेप है, ओरिजिनल GoPro का माउंट है, जो कि मेरे को कैमरा के साथ में मिला था। देन आपको इसकी मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी अंदाजे से, कि बिल्कुल बीच में लग रहा है नहीं लग रहा। अब मैं आपको क्लोज लुक दूंगा, अब मैं बिल्कुल इसको बीच में लगाने वाला हूँ, पहले मेजर कर चुका हूँ कैसा है ये। तो इसको मैं बीच में सेंटर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। अगर आपने देखा कुछ ऐसा ही लग रहा है, बट आपने साइड में गैप्स देखेंगे। अगर आप इसको ऐसे ही लगा देंगे GoPro, तो आपके चलती बाइक से या वैसे भी आप लगाएंगे तो GoPro वो कैमरा वगैरह गिर जाएगा। बट इसको फिल करने के लिए अब हमारी काम आएगी है हॉट ग्लू स्टिक। अब इससे हम इसको फिल करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा। फर्स्ट हमारा स्टेप हो चुका है पूरा, हमने इसको पील ऑफ करना है और ये बिल्कुल सेंटर में चिपकाना है। और थोड़ा अब इसमें हार्ड पुश करेंगे तो जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे भी टेप चिपकने की कोशिश होगी। तो हम आपको दिखाते हैं स्टेप 2।
तो स्टेप टू ये है, जो हमारा लेफ्ट और राइट कॉर्नर में थोड़ा सा गैप है, हमने उस गैप को फिल करना है इसके मदद से, जो कि है ग्लू स्टिक। मेरे पास इसकी अभी गन नहीं है, तो अभी मैं इसको थोड़ा गर्म करूँगा कैंडल के मदद से, उसके बाद मैं वो गैप फिल कर दूंगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कैंडल जला दी है, अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूंगा ये जो हॉट ग्लू स्टिक है, देन मैं इसके गैप फिल करूंगा। तो अभी थोड़ी थोड़ी गर्म होनी स्टार्ट हो गई है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं अभी ग्लू गर्म हो गई है, अब आपने ऊपर ड्रॉप्स डालने, अगर आप इसको देखेंगे तो खुद ही लटक जाएगी नीचे की तरफ, जिससे इसके गैप्स अब यहाँ से फिल हो चुके हैं बिल्कुल इस जगह से। जो एक जगह गैप है मैंने ऐसी फिल कर दी है, जो दूसरी की तरफ आपको सेम आपको प्रोसीजर करना है, और मिलते हैं आपको स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 के लिए हमें चाहिए ये एम सील, और अब कुछ मेरा जो हेलमेट है ऐसा लग रहा है मैंने इसके गैप्स फिल कर दिए हैं दोनों तरफ ग्लू लगा के, और अब मैं अपना हेलमेट इसको ऐसे भी पकड़ सकता हूँ। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, आप पहले टेप लगाओ, एमसील लगाओ, फिर ऐसा करो वैसा करो, तो लक्ष्य बाबा का नुस्खा यूज़ करो और अपना हेलमेट डेढ़ डेढ़ दो दो साल तक ऐसा रखो। जब मैंने राइडिंग स्टार्ट करी थी तब मैंने खरीदा था स्टड्स का शिफ्टर, और आज तक उसका माउंट ऐसा का ऐसा है। स्टेप 3 के लिए आपको क्या करना है, आपको एमसील लगानी है, और एमसील का सिर्फ ये रोल है आपका जो सरफेस है उसको थोड़ा अच्छा दिखाएगा, ग्लू स्टिक को सपोर्ट देगा जिससे आपकी ग्लू स्टिक निकले ना और वो बिल्कुल हार्ड रहे, और आप अपना कैमरा भी लगा के भी ऐसे पकड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो अब मैं लगाने वाला हूँ इसके अंदर एमसील। तो एमसील ओपन कर लेते हैं, तो जो इसके अंदर दोनों कंपाउंड मिलेंगे इस दोनों कंपाउंड को पहले मिक्स कर लेते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। तो स्टेप 3 ऑलमोस्ट हमारा 50% कंप्लीट हो चुका है, हमने दोनों एमसील मिला दी, और अभी इसको हमने फटाफट लगा देना है, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी इसको छोड़ा तो इसके अंदर हार्डनेस आ जाएगी और ये बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाएगा। तो हमने इसका थोड़ा सा पीस लेना है, थोड़ा सा, देन उसको एक बॉल बना के छोटा सा एक लाइन टाइप हमने बनानी है, एक रोप टाइप सी, देन जो हमारे गैप है हमने उस पर लगानी है। और आपको एक मैं नोट दे देता हूँ, अपने हेलमेट का वाइज़र उतार दें, क्योंकि अगर आपका हल्का सा भी उस पर हाथ लग जाएगा तो वाइज़र से कभी निशान नहीं जाएंगे और आपको फटका पड़ जाएगा, कम से कम 1000-1200 रुपये का आपको नया वाइज़र नया लेना पड़ जाएगा। तो हमने जो ये गैप है ये फिल कर देना है, और इसको बिल्कुल अच्छा सा सपोर्ट देगा हमारे माउंट को। सो गाइस, विद इन 10 मिनट्स आप भी अपने हेलमेट पर लगा सकते हैं एक्शन कैमरा माउंट, सिर्फ 3 इजी स्टेप्स के अंदर। फर्स्ट आपको माउंट चिपकाना है, सेकेंड आपको ग्लू स्टिक लगानी है, थर्ड आपको एमसील लगानी है, और उसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और ये पूरा हार्ड हो चुका है, बस एक बार मैं ओवरनाइट इसको फैन के नीचे छोड़ दूंगा तो बिल्कुल ये हार्ड हो जाएगा। और अभी रेडी टू यूज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ ये माउंटिंग्स कैसे करनी है। आप या तो जे हुक माउंट यूज़ कर सकते हैं, ये सिंपली है आपको ऊपर से लगाना, और यहाँ अपना कैमरा लगा सकते हैं, जो कि मैं अब यही यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे यूज़ होगा। आपको ये माउंट लेना है, इस पे लगाना है, और सिंपली अब ये लग चुका कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसमें हम करते हैं अपना गोप्रो माउंट। तो अब मैं इस पे माउंट करने वाला अपना नया गोप्रो। जी हाँ, मेरे पास 2 गोप्रो है, ये रहे मेरे 2 गोप्रो, इन पे भी जल्द एक वीडियो आने वाला है, कंपैरिजन वीडियो। तो अब मैं इस पे अपना गोप्रो माउंट कर देता हूँ। तो अब मेरा गोप्रो माउंट हो चुका है, और अब मेरा हेलमेट कुछ ऐसा दिख रहा है ना, बढ़िया। सिर्फ 10 मिनट में आप अपना भी हेलमेट पे एक्शन कैमरा लगा सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, ये रहा मेरा हेलमेट, अभी वाइजर मैं इस पर लगा दूंगा, क्योंकि इस पर निशान आए थे तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि अभी बिल्कुल नया हेलमेट है। तो लास्ट से लास्ट वीडियो मैंने एक गिव अवे रखा था, और उस गिव अवे के विनर है मिस्टर रोहित मलकानी। सो गाइस, यहाँ पे उनका कमेंट है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और रोहित मलकानी भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक मेरा ईमेल एड्रेस मिलेगा, आप वहाँ पे अपने चैनल का स्क्रीनशॉट लेके और अपना होम एड्रेस मेरे को मेल कर दीजिए, और जल्द से जल्द आपको आपका एक्शन कैमरा मिल जाएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन राइड सेफ, दिस इज बॉर्न टू राइड साइनिंग ऑफ, और लास्ट तक वीडियो देख के जाना, कुछ मसाला छोड़ा मैंने आपके लिए। टिल देन बाय। जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का, गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्यों, क्योंकि अलग वजह तेरे भाई का। बहुत ज्यादा हो गया।